Bill Cut. हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग मोबाइल तो यूज करते होंगे। आज के युग में मोबाइल तो सभी के पास होता है और आप सभी लोग इंटरनेट का यूज करते ही होंगे। इंटरनेट की मदद से आप अपना डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजते हो, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तो ये सब पॉसिबल होता है एक नेटवर्क की मदद से। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है और उसके कितने प्रकार है? तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा बिना स्किप किए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नेटवर्क क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जब एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर को वायर और वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। पुराने जमाने में हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कबूतर होता था और उसके बाद पोस्टमैन वाला सिस्टम आया, लेकिन इन सभी माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव करने में बहुत सारा टाइम चला जाता था, जिससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय पर नहीं पहुंच पाते थे। अब जो इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचने में 3-4 दिन लग जाते थे, वो अब नेटवर्क की मदद से 2 या 3 सेकंड में पहुंच जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह क्या है और यह कितने टाइप का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को डेटा नेटवर्क भी कहा जाता है। वह बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस और अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस का ग्रुप होता है, जो कि एक दूसरे से किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन या रिसोर्स शेयरिंग करने के काम करते हैं। वैसे नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइस जो डेटा को सेंड करने के लिए उत्पन्न करते हैं, मतलब कि क्रिएट करते हैं, रूट करते हैं मतलब कि रास्ता दिखाते हैं, और रिसीव करते हैं मतलब कि उत्पन्न डेटा को नेटवर्क से समाप्त करने का काम करते हैं, उसे नेटवर्क नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स किसी भी प्रकार के डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर्स और अन्य नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या फिर इंटरनेट कैफे में देखा होगा कि एक ही प्रिंटर रहता है और वह बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, मतलब कि सभी कंप्यूटर के द्वारा हम उस प्रिंटर को प्रिंट करने का टास्क दे सकते हैं। जनरली कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल है, लेकिन आज हम सिर्फ लैन, वैन और मैन के बारे में ही जानेंगे। फर्स्ट लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का यूज स्मॉल बिल्डिंग, स्कूल, घर, ऑफिस में किया जाता है। इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। लैन को वाईफाई के द्वारा एनेबल किया जा सकता है। सेकंड मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क लैन से कुछ ज्यादा एरिया और वैन से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके द्वारा एक सिटी को कनेक्ट किया जा सकता है। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन को मिलकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी। थर्ड वैन। वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत सारे लेन का कलेक्शन होता है, जिसका रेंज लेन और मैन के अपेक्षा से काफी ज्यादा होता है। यह एक शहर को या एक देश को जोड़ने का काम करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। इस नेटवर्क के द्वारा लोग एक जगह से या एक कंप्यूटर पूरे दुनिया में कहीं पर भी रखे गए कंप्यूटर या यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं। यह पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।